अब तक आपने देखा कैसे रामा महारानी चिन्ना देवी को मायके जाने से बचने का सुझाव देता है। रामा के सुझाव को ध्यान में रख महारानी चिन्ना देवी महाराज को मूर्छित करके अपने साथ मायके ले जाती हैं। रामा का ये दुस्साहस देख महाराज क्रोधित हो जाते हैं। इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए तथाचार्य रामा को देशद्रोही घोषित करते हैं और मृत्यु दंड देने का प्रस्ताव महाराज के समक्ष रखते हैं। अब आगे पंडित रामकृष्णा ने जो कार्य किया है वो असहनीय है। इन्होंने महाराज को मूर्छित कर महाराज का अपहरण करने का षड्यंत्र रचा है। महामंत्री जी, महाराज आप स्थिति की गंभीरता को समझ रहे हैं? यदि मूर्छित अवस्था में यात्रा के भीतर आपके साथ कुछ अवांछनीय घटित हो जाता तो दो दिवस विजयनगर राज्य का सिंहासन राजा विहीन। आप सभी को तनिक भी एहसास है कि राजा विहीन राज्य पर कितनी प्रकार के संकट आ सकते हैं? ये कैसे विशेष सलाहकार जो महाराज के प्राण और राज्य की आन को संकट में डालते हैं? महाराज यदि आपकी दृष्टि में ये मेरी त्रुटि है तो ऐसा ही सही, परंतु उस दिन आपने ही मुझे बुलाकर कहा था कि बड़ी महारानी को मैं बुला कर लाऊं। ये सब कुछ वहीं से आरंभ हुआ महाराज। क्या है आपका पद रामकृष्ण, बोलिए। महामंत्री जी आप बताइए कि पंडित रामकृष्णा किस पद पर हैं? हमारे राज दरबार के विशेष सलाहकार हैं गुरुवर। विशेष सलाहकार, ये महाराज के विशेष सलाहकार हैं। समझते हैं ना आप विशेष सलाहकार के कार्य को? यदि महाराज भी त्रुटि पर हैं तो आप उन्हें रोके। आपने क्या किया, उपहास बना दिया आपने, और यदि इन्हें तत्काल दंडित नहीं किया गया तो कल कोई और यह दुस्साहस करेगा। यह राज्य की सुरक्षा और महाराज की गरिमा का प्रश्न है। हम आपके कथन का समर्थन करते हैं गुरुवर। धन्यवाद महाराज। महामंत्री जी, आपका क्या मत है? क्या आपके लिए भी राज्य और राजा की सुरक्षा के ऊपर मित्रता है? आप सत्य कह रहे हैं गुरुवर। पंडित रामकृष्ण से त्रुटि हुई है। त्रुटि? ना, ये त्रुटि नहीं है, ये तो अपराध है। अपराध? और हम तो कहेंगे तो पागे तो खोल पागल। गुरुवर हम एक बार फिर आपके कथन का समर्थन करते हैं। जी महाराज। अब आप ये निर्धारित करें कि पंडित राम क्या दंड किया। राजद्रोह का दंड तो मृत्यु दंड होता है महाराज। परंतु हम जानते हैं महाराज, इन्होंने राज्य के हित में कई कार्य किए, तो इन्हें मृत्यु दंड ना देकर तत्काल प्रभाव से सदैव के लिए राज दरबार से निष्कासित किया। नहीं नहीं, परंतु महाराज मैंने और हाँ मां, यदि इन्हें यह दंड नहीं दिया गया तो यह दंड हम स्वीकार। या तो आप इनका बहिष्कार कीजिए या हमारा। सत्य कह रहे हैं गुरु। राजद्रोह एक अत्यंत गंभीर अपराध। हम विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय आज ये घोषणा करते हैं कि पंडित रामकृष्ण को अभी
इसी क्षण से हमारे राज दरबार से निष्कासित किया जाएगा। महाराज हमारा कहना सभा समाप्त। महाराज 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 मंत्री भाई मंत्री भाई हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि हमने महाराज के समक्ष ऐसा वार्तालाप किया कि पंडित रामा कृष्णा को निष्कासित करवा दिया। ये तो अनर्थ हो गया। छोटे से उपहास ने राज्य के लिए तेरे किए समस्त कार्य व्यर्थ कर दिए। हाँ बंधु, त्रुटि तो मुझसे हुई है और इस बार संभवतः कुछ अधिक ही कर गया मैं। अब क्या करेगा रामा? आचार्य ने ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी है कि इस बार मेरे पास कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। जो आज्ञा स्वामी। मैं तो इस घर का और आपका दास हूँ ना, तो घर में जितने भी कार्य हैं वो सब मुझसे करवा लो। हाँ ठीक है। देख रामा देख, कभी सोचा था तेरे ऐसे दिन आने वाले हैं? देख ले रामा, जिस पुरुष के पास काम नहीं होता ना, उसका घर पे भी सम्मान नहीं होता। तू सही कह रहा है बंधु। पहले कमाई के लिए पापड़ भेलो और जब ना कमा पाओ तो घर में इस तरह पापड़ भेलो। लामा, और पापड़ बेलने के अलावा तेरा और क्या काम है? अच्छा, हट 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 हट। पापड़ बेलो, पापड़ बेलो। हो गई शांति, मिल गया चैन, कर ली अपनी मनमानी। अब हमें इस घर से कब निष्कासित होना है ये भी बता दो। अरे अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? इतनी चिंता करना ठीक नहीं है। तुम तो ये बताओ कि तुम दोनों का झगड़ा समाप्त हुआ या नहीं? नहीं, हम मायके 7 दिन के लिए ही जाएंगे। 4 दिन के लिए नहीं, 7 दिन के लिए। 4 नहीं, 7। 4 7 4 बहुत चालाक बन रहे हैं। हमें विषय से भटकाओ मत। जल्दी बताइए, क्यों किया आपने ऐसा? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो भला करने गया था, अकारण ही फंस गया। सब अच्छा करने जा रहा था, परंतु भूल से सब उल्टा हो गया। भूल से नहीं, ये आपका स्वभाव है और आपके स्वभाव के कारण ही आप हमेशा फंस जाते हैं। अम्मा कह रही है? क्यों, हम कुछ नहीं कह सकते? आपको कुछ कहने का अधिकार केवल अम्मा के पास है, आपकी पत्नी का कोई अधिकार नहीं। ए शारदा, तुम अपने युद्ध में मुझे क्यों फंसा रही हो? यही स्वभाव है जो हमेशा आपको फंसा देता है। नहीं, स्वभाव के कारण नहीं, खुजली के कारण फंसा हूँ मैं। खुजली? आपको खुजली है? हम अभी लेप लेकर आते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे खुजली नहीं है, महाराज को हुई है। और तुम्हें बताऊं महाराज की खुजली क्या है? मैं
स्वयं पंडित रामकृष्ण महाराज की खुजली है। जब तक वो मुझे नोच नहीं लेते, खरोच नहीं लेते, उन्हें आराम नहीं मिलता ना। पंडित रामकृष्ण को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, पंडित रामकृष्ण को दरबार से निष्कासित कर दिया जाए, पंडित रामकृष्ण को कारागार में डलवा दिया जाए, समझ में आया कुछ? अब आप क्या करेंगे? मैं नहीं, ये सोचो कि महाराज क्या करेंगे, क्योंकि मैं यानी कि उनकी खुजली तो यहाँ है, पापड़ बेल रहा हूँ। प्रश्न ये उठता है कि महाराज वहां किसे बेल रहे हों? निष्कासित कर देंगे हम, आप सभी को निष्कासित कर देंगे। ये हो क्या रहा है हमारे राज्य में? ये कैसे खड़े हैं आप? ठीक से खड़े रहिए, जाइए यहां से, जाइए। सबको निष्कासित कर देंगे, मूर्ख। महारानी चिन्ना देवी, महारानी तिरुमलंबा, आज प्रातः काल से आप दोनों हमें दृष्टिगत नहीं हुई है। कहाँ भ्रमण कर रही है? अवकाश पर गई थी कहीं? महाराज, हम तो प्रातः काल से यहीं हैं, पीछे ही खड़े थे हम। पीछे ही थे? पीछे ही थे से क्या तात्पर्य है आपका देवी? हाँ, हमारे नेत्र तो हमारे आगे है ना, पीछे तो है नहीं हमारे दो नेत्र। है पीछे, देखिए आप, पीछे नेत्र है हमारे। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु प्रातः से ही आपकी मनस्थिति कुछ विचलित है। आप सभी पर क्रोधित हो रहे हैं, सभी के कार्य में त्रुटियां निकाल रहे हैं। महाराज, क्या समस्या है? समस्या है तभी तो ऐसा कर रहे होंगे हम। है समस्या, प्रातः काल हम पूजा के लिए बैठे थे, पुष्प चाहिए थे, लेकिन पुष्प प्रदान नहीं हुए हमें। हमारी पूजा अर्चना अधूरी रह गई है, हमारा मन तब से विचलित है। कहिए, समस्या तो है ना? और जिस प्रकार हमसे सब व्यवहार कर रहे हैं, हमारी बात को सब अनसुना कर रहे हैं, ये हमारी सहन शक्ति के परे है। इस प्रकार राज्य का प्रशासन कैसे चलेगा? कैसे? महाराज, महामंत्री जी आइए। हमने आपको एक कार्य सौंपा था, क्या हुआ उस कार्य का? कैसा कार्य महाराज? कैसा कार्य महाराज, अब हम आपको बताएंगे कि हमने आपको कौन सा कार्य दिया था। हम आपके महाराज हैं या आपके निजी सहायक? हमने आपसे कहा था कि हमारी सेना है तो हमें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों को नियुक्त करने की आवश्यकता है। इस विषय में आपने क्या किया है महामंत्री? जी हाँ महाराज, आपने ये आदेश दिया था, परंतु इसके उपरांत आपने ये भी आदेश दिया था कि एक धनुर्धरों की स्पर्धा का आयोजन किया जाए, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का चयन करें। श्रेष्ठ धनुर्धरों का चयन तो होगा, परंतु साधारण धनुर्धरों का चयन भी तो करना होगा, उसका क्या? कोई कार्य, एक भी कार्य ठीक से नहीं हो रहा है आपसे। आप चिंतित न हो महाराज, आपके निर्देश अनुसार सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सुनिश्चित की जाएगी? आज प्रातः काल हम पूजा कर रहे थे, हमें पूजा के पुष्पों की आवश्यकता थी, वो पुष्प हमें नहीं मिले, क्यों? चाहिए पता लगाइए कि इसका अपराधी कौन है और उसे हमारे समक्ष राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए, हम उसे दंड देंगे। महाराज, निष्कासित कर देंगे सबको। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं महामंत्री जी, आज प्रातः काल से ही महाराज कुछ विचलित हैं। हमारी समझ में सब कुछ आ गया है महारानी जी, आज पंडित रामकृष्ण महाराज के सानिध्य में नहीं है तो उनकी कमी उन्हें खल रही है। पता नहीं आज राज दरबार में क्या होगा, महाराज का क्रोध सभी पे बरसेगा। हे भगवान, रक्षा कीजिए। आज विजयनगर का दरबार कितना उत्तम और भव्य प्रतीत हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्राचीन दिवस पुनः लौट आए। क्यों महामंत्री जी? महाराज कृष्णदेव राय की जय। 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 प्रणाम महाराज। गुरुवार जी महाराज, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए आप हमें। हमें प्रतिदिन इसी सिंहासन पर क्यों बैठना पड़ता है? क्यों अनिवार्य है हमारा यहाँ बैठना? महाराज वो, हाँ वो विजयनगर राज्य के महाराज हैं आप, तो राज्य के राज सिंहासन पर तो महाराज को ही बैठना होगा, और कौन बैठेगा? गुरुवर,
आपको हो क्या गया है? आप हमारे कथन का अर्थ समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? हमारा तात्पर्य है कि हमें प्रतिदिन इस सिंहासन पर क्यों बैठना पड़ता है? हम यहाँ के राजा हैं, तो हमारे पास विकल्प होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए महाराज। आपको भी विकल्प प्राप्त होना चाहिए। आप आदेश कीजिए, हम आपके लिए वो 10-12 भिन्न भिन्न रंगों के, भिन्न भिन्न आकारों के वो राजसिंहासन बनवाने का आदेश दे देते। तो ये विचार पहले आपको क्यों नहीं आया गुरुवर? आप चाहते क्या है कि हम विनती करें, गिड़गिड़ाए, तभी जाके कोई कार्य होगा यहाँ पर? आपका भी तो कोई दायित्व बनता है कि नहीं गुरुवर? आज इतने बड़े दरबार में पहली बार इतना क्रोधित होकर महाराज ने अपने बुड्ढी को डांटा है। सही कह रहा है, आज का दिन कितना शुभ है ना, कितना शुभ। आन ग्रहण कीजिए महाराज। हम कैसे? वैसे ही जैसे प्रतिदिन बैठते हैं गुरुवर। दान ग्रहण कीजिए, ये हमारा आदेश है। गुरुवर, कहाँ प्रस्थान किए जा रहे हैं आप? सिंहासन पर बैठने के लिए महाराज, आपने तो कहा। अद्भुत गुरुवर, अद्भुत। आइए आइए, आप ही बैठ जाइए सिंहासन पर। हमारी ये राजसी पगड़ी भी आप ही पहन लीजिए। आपका राज अभिषेक, राज तिलक सभी कर देते आप यहाँ बैठे और हम चले जाते वनवास में। आपको हो क्या गया है गुरुवर? आप अपने स्थान पर जाकर बैठिए। जी महाराज। आज प्रातःकाल से ही कुछ सही नहीं हो रहा है। कौन है जिसने हमारी पूजा अर्चना, हमारे अनुष्ठान में बाधा डाली? कौन है जो हमें पुष्प उपलब्ध नहीं करा सका? महाराज, उसे प्रस्तुत किया जाए। प्रणाम महाराज। महाराज, ये रमन्ना है। प्रातःकाल आपके पूजा गृह में पुष्प उपलब्ध करना इसका दायित्व है, परंतु आज ये अपना दायित्व पूर्ण नहीं कर पाया। पुष्प क्यों उपलब्ध नहीं हुए? मेरा कोई अपराध नहीं महाराज, मुझे क्षमा करें। आज पुष्प देने वाली सावित्री पुष्प लेकर महल में आई ही नहीं, इसी कारण मैं पूजा गृह में पुष्प उपलब्ध नहीं करा सका। सावित्री को प्रस्तुत किया जाए। प्रणाम महाराज। पुष्प उपलब्ध क्यों नहीं हुए? महाराज, आपको तो ज्ञात ही है, वो मेरी सहेली सरला जो यहाँ मछली लेकर आती है। हाँ हाँ, अवश्य। राजा है हम विजयनगर के, आप प्रजा है तो नाम पता सभी ज्ञात होना चाहिए हमें। आपकी सहेली सरला, दूसरी सहेली अचला। अचला नहीं महाराज, उसका नाम कमला है। पुष्प उपलब्ध क्यों नहीं हुए? सरला खा गई, सावित्री खा गई, कौन खा गया? खा नहीं गई महाराज, आ गई। वो मेरे घर मछली का टोकरा लेकर आ गई और वहीं रुक गई। मछली की गंध से मैं सारी रात सो नहीं पाई, प्रातः काल आँख लगी फिर उठ नहीं सकी और पुष्प भी एकत्रित नहीं कर पाई। महाराज, इसमें मेरी कोई त्रुटि नहीं। सरला को प्रस्तुत किया जाए। हमें क्षमा करें प्रभु, आपके कारण सावित्री सो नहीं पाई और उस कारण वो रमन्ना को पुष्प नहीं दे पाई और रमन्ना हम तक पुष्प नहीं उपलब्ध करा पाए। अब आप बताइए, आप दोषी हैं कि नहीं? अब देखो हम क्या करते हैं, देखो हमारी बुद्धि का चमकता। जी गुरु जी। महाराज, ये सरला की त्रुटि नहीं अपितु इसका षड्यंत्र है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र गुरुवार, स्पष्ट कीजिए। महाराज, समस्त विश्व को विदित है कि पुष्प की गंध सभी को प्रिय होती है किंतु मछली की नहीं, और सब कुछ जानते हुए भी ये मछली लेकर पुष्प वाली के यहाँ गई, जिससे मछली की गंध से वो सो ना पाए, अंततः आपके अनुष्ठान में व्यवधान पड़ जाए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुवर? हमारी पूजा में विघ्न डालकर सरला को क्या लाभ होगा? आपको हो क्या गया है गुरुवर? जैसे सावित्री देवी को पुष्पों के गंध से निंद्रा आती है, ठीक उसी प्रकार सरला देवी को मछली की गंध से निंद्रा आती होगी। ये उनका स्वभाव है, सभी का अपना अपना स्वभाव होता है। होता है कि नहीं? होता है, होता है। गुरु जी, आज तो आप बैठ जाइए और अपना मुंह बंद रखिए, अन्यथा मुंह की खाएंगे आप। बैठ जाइए गुरु। हाँ तो सरला देवी, आप स्पष्ट कीजिए, मछली लेकर आप वहां रुकी क्यों?
क्या करती महाराज, मछली से हमारा जीवन यापन होता है, हम उसे फेंक नहीं सकते थे। वहाँ रुकना हमारे लिए अनिवार्य हो गया क्योंकि वो चंद्रिया नहीं आया ना, सारा दोष उस चंद्रिया का है। अब ये चंद्रिया कौन है? वही बैलगाड़ी वाला जिसकी बैलगाड़ी में हम घर वापस लौटते हैं, और उस दिन वो आया नहीं, फिर हम लाचार हो गए और हमें सावित्री के घर पे रुकना पड़ा। आप सभी ने सब कुछ देखा और सुना, दरबार में आप सभी अनुभवी और बुद्धिमान हैं। बताइए कौन है वास्तविक अपराधी, अन्यथा हम सभी को दरबार से निष्कासित कर देंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.